वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स टू नेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पपीता। आज मैं आपके साथ पपीता के वो फ़ायदे शेयर करने वाली हूँ जिनका इल्म होना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, पपीता एक नरम मुलायम जिल्द रखने वाला और ज़बरदस्त गदाइए से भरपूर फल है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये शुरू में तो गहरा सब्ज़ होता है लेकिन पकने पर यह जर्दी माइल या नारंगी रंग में बदल जाता है। ये कच्चा हो या पक्का दोनों ही सूरतों में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका गूदा नरम और रसभरा होता है और इसका जायका खुशगवार होता है और उसकी एक हल्की हल्की महक सी होती है। पपीता एक मुकम्मल गिदा है। रोज़मर्रा की कुछ गिदाई ज़रूरियात मसलन प्रोटीन, मादनी अज्जा और विटामिन्स इसमें बखूबी हासिल होते हैं। इस फल में पकने के मरहले में बतदरीज विटामिन सी का इजाफा हो जाता है। ये एक आसानी से हजम होने वाला शिफा बख्श फल है। पपीता ज़बरदस्त तिब्बी ख्वास रखता है। बड़े बड़े अतबा का कहना है कि पपीते में सोने के बराबर ताकत होती है। ये फल ना सिर्फ आसानी से खुद हजम हो जाता है बल्कि दूसरी गिदाओं को हजम होने में भी बहुत मदद देता है। पपीते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मेदे और अंतड़ियों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपकी आंतों में सोजश रहती हो या पुरानी कब्ज और खूनी बवासीर की शिकायत रहती हो या आंतों में इन्फेक्शन हो तो इस फल के खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। ये आपकी आंतों की खूब अच्छे से सफाई कर देता है। मैदा और आंतों के ज़ख्मों को ठीक करने में बहुत ही मुफीद है। मैदा आंतों में या जिस्म के किसी और हिस्से में अगर सूजन की शिकायत हो तो इसे दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के कीड़ों को हलाक करता है। इसके बीजों के इस्तेमाल से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं, ख़ास तौर पर वो कीड़े जिनको तागा कीड़े कहा जाता है। ये बदहजमी और तदाबियत को भी ख़त्म करता है और बंद भूख को खोल देता है। पपीता कच्चा हो या पक्का दोनों ही सूरतों में फ़ायदेमंद है। कच्चा पपीता बतौर सब्ज़ी भी पकाकर खाया जाता है और पका हुआ पपीता सलाद और चाट वगैरह में डालकर भी खाया जाता है। अगर इसके मिजाज की बात करें तो ये गर्म तार है। वज़न कम करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार में फ़ाइबर, लाइकोपीन और विटामिन सी होने की वजह से ये दिल के मरीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मुफीद है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। 100 ग्राम पपीता खाने से हमें 32 कैलोरीज मिलती हैं। ये तिली और जिगर के अमराज और उनके बढ़ने के अमल को रोकता है। तिली के वरम में कच्चे पपीता का गूदा लें और सयाह मिर्च, नमक और लीमू निचोड़कर खिलाएं। यरकान में पपीता खाने से बहुत फ़ायदा होता है। जिन छोटे बच्चों का जिगर बड़ा हुआ होता है उन्हें पपीता खिलाना चाहिए। कच्चा पपीता गोश्त गलाने के काम आता है और कच्चे पपीते के गूदे को हर रोज़ चेहरे पर मलते रहने से कील, मुहासे और दाग धब्बे दूर होकर चेहरा निखर जाता है और ये गूदा दूसरे जिल्दी अमराज के लिए भी बहुत ही मुफीद होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जिल्दी अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। पपीते का पेस्ट चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे की जिल्द नरम, मुलायम और हमवार नज़र आएगी और झुर्रियों से पाक नज़र आएगी। ये जिल्द को आलूदगी से साफ करके जिल्द के मुर्दा खिलियों को निकाल देता है। पपीता खाने से बाल, जिल्द, दांत और हड्डियों की बीमारियों को बहुत फ़ायदा होता है। इस फल की अफादियत को कदीम ज़माने से ही खूब अच्छे से समझ लिया गया था। पपीता पेशाब पर होता है और इसके खाने से बुखार भी टूट जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से ये आँखों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। ऐसे फल जो और सब्ज़ियाँ जो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कैंसर से बचाव में मददगार होती हैं उनमें पपीता भी एक नुमाया हैसियत रखता है। पपीता को दो खानों के दरमियानी वक्फा में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह निहार मुँह ना खाएं। अलबत्ता कब्ज़ के मरीज़ खा सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस हद दर्जा मुफीद फल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।